असलकम स्टूडेंट्स सेवनटीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिनका हमने पिछले मॉड्यूल में जिक्र किया वो महज एक रोड मैप नहीं है डेवलपमेंट की तरफ के हमने बाय 2030 ये अचीव करना है अगर आप गौर करें तो सोशल एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी हैं कि वो नए नए बिज़नेसेस, नई नई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो के इन 17 गोल्स के अराउंड हैं वो इंट्रोड्यूस करा सकें और उनको मार्केट कर सकें इस लिहाज से अगर हम इन 17 डेवलपमेंट गोल्स को देखें तो बेसिकली ये सोशल एंटरप्रेन्योर्स के लिए 17 अपॉर्चुनिटीज़ के वन्यूज़ हैं अगर छह मुख्तलिफ मुख्तल्फ़ के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्रेस है सोशल एंटरप्रेन्योर्स का कंट्रीब्यूशन मुख्तलिफ है कुछ गोल्स के हवाले से ज़्यादा है कुछ के हवाले से कम है हम अपने इस कोर्स में वन बाई वन उन डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर फोकस करेंगे जिनमें सोशल एंटरप्रेन्योर्स ने बहुत इनोवेटिवली और बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया ऐसा पहला गोल जो है वो गोल नंबर थ्री गुड हेल्थ और वेल बीइंग है आप हैरान होंगे शायद कि हेल्थ एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड एरिया समझा जाता है जो कि डॉक्टर्स पैरामेडिक्स फार्मास्यूटिकल वर्ल्ड उसके अराउंड घूमता है तो सोशल एंटरप्रेन्योर्स का उसमें क्या रोल हो सकता है पहले हम देख लेते हैं कि गोल थ्री गुड हेल्थ एंड वेल बींग बेसिकली है क्या इन इट्स सेल्फ गुड हेल्थ जो है वो रिलेटिव हो सकती है मुख्तु लोगों के नज़दीक उसके मुख्तफ मानी हो सकते हैं लेकिन यू एन ने इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इसके तेरह टारगेट्स मुकर किए हैं कि अगर मुख्तु नेशनस कंट्रीज जो हैं वो उन टारगेट्स को अचीव कर लेते हैं तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ और वेल बींग जो है बेहतर तस्वर किया जाएगा ये टारगेट्स जो हैं ये रिड्यूस्ड चाइल्ड मोटेलिटी और मटर्नल हेल्थ रिड्यूस्ड कम्युनिकेबल डिजीज़ेस, सब्सटेंस सबस्टेंस्यूज को कम करना जो हेल्थ के हवाले से इनकॉलिटीज हैं उनको कम करना हेल्थ केयर तक जो यूनिवर्सल एक्सेस है लाइफ इंश्योरेंस इस किस्म की चीज़ें उसमें शामिल हैं यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक गुड हेल्थ और वेलबींग well के हवाले से काफ़ी प्रोग्रेस हुई है नंबर वन लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो इंक्रीज हुई है इसी तरह चाइल्ड और मटरनल मोटेलिटी रेट्स जो हैं वो कम हुए हैं कम्युनिकेबल डिजीज में कमी आई है सेफ वाटर एंड सैनिटेशन प्रैक्टिस जो हैं वो बेहतर हुई हैं एच एड्स ट्यूबोक्लोस मलेरिया इनके स्प्रेड में कमी आई है लेकिन उसके बावजूद बहुत सारा काम करना बाकी है जिसका मतलब है कि सोशल एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनको एक्सप्लोर करना और उनके हवाले से इनोवेट करना जो है वो इंतज़ार कर रहा है सोशल इनोवेटर्स या सोशल एंटरप्रेन्योर्स सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो गुड हेल्थ और वेलबींग के हवाले से परफॉर्म कर रहे हैं या कर सकते हैं वो सोशल डिटर्मनेंस ऑफ हेल्थ को एड्रेस करना है बाय सोशल डिटामोनेट्स ऑफ हेल्थ मेरी क्या मुराद है जो हमारा इंसानों का हेल्थ के हवाले से और सिकनेस के हवाले से बिहेवियर होता है हम लोग अपने खाने पीने की आदत अपने माहौल में जिस तरह हम रहते हैं सफाई का मैार पीने का पानी इन चीज़ों से जो हमारे हेल्थ और सिकनेस के रवैये डिटामिन होते हैं उन्हें या हम बीमारी और सेहत के ऊपर जो स्पेंडिंग करते हैं उसके लिए जो एफर्ट करते हैं ये सारी चीज़ें सोशल डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ में आती हैं और यही दरअसल वो डिटरमिनेंट्स हैं जो हेल्थ के हवाले से इक्वालिटीज़ को पैदा करते और उनको एड्रेस करने की अपॉर्चुनिटीज फ्राहम करते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर्स ने बहुत ही इनोवेटिव कुछ एफर्ट्स जो हैं वो की हैं उनमें से दो तीन एग्जांपल्स जो हैं वो आज मैं आपसे शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं जिक्र करूंगी पाथ नामी एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का ये यूएस बेस्ड है लेकिन दुनिया के सत्तर ममालिक में ये लोग काम कर रहे हैं और उनका बुनियादी काम जो है वो हेल्थ के हवाले से टेक्नोलॉजी को इनोवेट और अडेप्ट इस तरह से कि लो और मिडल इनकम कंट्रीज़ में लोग जो हैं वो हेल्थ फैसिलिटीज़ को लो कॉस्ट में अचीव कर सकें मसलन उनकी एक प्रोडक्ट जो है वो हाई न्यूट्रिएंट राइस से ऐसे चावल जो बच्चों को ज़्यादा अज़ाइत फ्राहम करते हैं इसी तरह उनकी एक प्रोडक्ट जो है वो सर्विकल कैंसर को करने के लिए ट्रीट लो कॉस्ट टूल्स हैं जो कि अमूमन बहुत महंगे समझे जाते हैं और जो ट्रीटमेंट बहुत महंगा समझा जाता है उसको इन्होंने लो कॉस्ट बना दिया है वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट्स इज पेज पी ए आई जी ई पेज नामी एक ऑर्गनाइजेशन है जो यूरोप से ऑपरेट करती है बेसिकली ये बहुत ही हाई टेक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए कैंसर के ट्रीटमेंट के हवाले से एक एकोसिस्टम डेवलप किया है कैंसर के हवाले से अभी तक हमारा जो चैलेंज है सबसे बड़ा दुनिया भर में वो उसका डायग्नोसिस और उसके बारे में जो नॉलेज है और जो एक्सपर्टीज़ हैं उनकी कमी है हम जितनी भी तरक्की कर लें हम अभी तक कैंसर को टाइमली डायग्नोज ही नहीं कर पाते इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक आम हेल्थ प्रैक्टिशनर डॉक्टर या रिसर्चर के लिए एक्सेसिबल बना दिया है ताकि वो दुनिया भर से जो डायग्नोसिस मुख्तलिफ तरह के हैं वो एक जगह पे जमा कर दिए हैं डाटा जो उनके लिए डॉक्टर्स के लिए एक्सेसिबल है जिसके ज़रिए से वो कैंसर के डायग्नोसिस पे रिसर्च कर सकते हैं और उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं इसी तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन जो आपको पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में अच्छा साउंड करेगा वो हेल्थ राइडर्स के नाम से अफ्रीका में ऑपरेट करती है अफ्रीका में भी पाकिस्तान के देहातों की तरह हेल्थ फैसिलिटीज़ को अवेल करने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो बहुत ख़राब बल्कि ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है ये कुछ यंग एंटरप्रेन्योर्स ने कुछ पुरानी बाइक्स गाड़ियाँ वगैरह जमा करके लोगों को मरीजों को डॉक्टर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम शुरू किया जो अब अफ्रीका के बहुत सारे मुल्कों में लो कॉस्ट हेल्थ फैसिलिटीज लोगों को फ्राहम कर रहा है आप ऐसी ही एक सर्विस जो है उसको पाकिस्तान के स्पेशली रूरल एरियाज और फार फ्लंग एरियाज के हवाले से सोच सकते हैं जिसका यहाँ पर बेहद स्कोप होगा इन शॉर्ट हेल्थ फैसिलिटीज़ के हवाले से सोशल एंटरप्रेन्योर्स ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से लेकर लो कॉस्ट हेल्थ फैसिलिटीज़ और इनोवेटिव आइडियाज़ जैसे हेल्थ राइडर्स जो हैं वो हर किस्म की पॉपुलेशन बच्चों बड़ों बूढ़ों देहाती अर्बन पॉपोलेशन सबके लिए इनोवेट किया है थैंक यू